नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DK डिजिटल कैश में। यहाँ पर दोस्तों की जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है, हम लोग पाई नेटवर्क के जो मेन नेट है उसके रिगार्डिंग जो अभी काफ़ी सारे अपडेट्स आ रहे हैं, जिसमें अगर मैं अभी रिसेंटली अपडेट की बात करूँ तो आप सभी लोगों को ये पता चल ही गया होगा कि 2024 के अंदर पाई को ओपन मेन नेट के अंदर एंट्री कराने के लिए ज़ोरदार प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। और जब भी यहाँ पर पॉसिबल होता है, हमारे पास में पाई कोर टीम की तरफ से काफ़ी अपडेट जो है आ रहे हैं, रेगुलर अपडेट्स आ रहे हैं, कभी KYC के इश्यू को लेकर के, तो कभी जो भी टेक्निकल जो प्रोसेस या जो भी टेक्निकल प्रोग्रेस हो रही है उसके बारे में भी यहाँ पर अब जो है वो रेगुलर अपडेट्स हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास में एक और अपडेट है जिसमें कुछ डॉकर फाइल को लेकर के कुछ जो टेक्निकल चीज़ें हैं, यानी कोडिंग, जावा स्क्रिप्ट वगैरह, इन सब चीज़ों को मिला करके जो भी कुछ हो रहा है उसके बारे में कुछ अपडेट यहाँ पर दी गई है, तो वही आप लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर पाई कोर टीम जस्ट कैरिड आउट 3 आवर्स एगो, ठीक है, कुछ ये एक दिन पहले की पोस्ट है, जहाँ पर मतलब अगर हम बोलें तो 24 घंटे के आसपास पुरानी जो है ये पोस्ट है, जिसमें अभी फ़िलहाल जो टेक्निकल चीज़ें हुई हैं उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए, यहाँ पर दिस कोड इज़ पार्ट ऑफ द डैगर, तो कोई कोड जो है यहाँ पर फिर दोबारा इसके अंदर जो है जोड़ा गया है या प्रोसेस किया गया है जावा के अंदर, जो कि रिलेटेड है आपका ब्लॉकचेन और हमारे पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट के साथ में। तो इसके अंदर कोई पार्ट जो है डॉकर फाइल, दिस कोड इज़ अ पार्ट, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है कि यहाँ पर कोई कोड जो है वो यूज़ किया गया है, और वो जो कोड है वो जो है वो हिस्सा है डॉकर फाइल का, और ये जो डॉकर फाइल है ये एक यहाँ पर टूल है जो कि यहाँ पर डॉकर इमेज को, जो कि पाई नोड के साथ में जिसको जोड़ा जाएगा या फिर उसके अंदर यूज़ किया जाएगा, ठीक है, उसको बिल्ड करने के लिए यहाँ पर इस डॉकर फाइल को जो है यूज़ किया गया है, ठीक है। अगर हम इसको शॉर्ट भाषा में दोस्तों आपको समझाऊँ तो डॉकर फाइल जो है एक तरीके के टेक्स्ट फॉर्म में एक फाइल होती है, ठीक है, जो कि यहाँ पर जनरेट करती है कुछ इमेजेस, और जिसको यहाँ पर पाई नोड के साथ में जोड़ा जाएगा, जो कि यहाँ पर आगे और भी चीज़ों को आगे लेकर के जाएगी, यानी पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट के अंदर इसके साथ साथ और भी कुछ फीचर्स जो है एड ऑन करेगी आने वाले समय के अंदर। तो इसको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दी गई है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के साथ में इस तरीके के जो अपडेट्स हैं उनको यहाँ पर पाई कोर टीम की तरफ से शेयर किया जा रहा है, क्योंकि ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जो कोड्स हैं या जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो पाई नेटवर्क के अंदर छोटे से छोटी चीज़ और बड़े से बड़ी चीज़, हर किसी का अपना एक महत्व है, हर किसी की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। अगर कहीं से भी कुछ भी कहीं भी कुछ ऊपर नीचे होता है, ठीक है, तो ऑफकोर्स पूरे पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट के ऊपर जो है फ़र्क पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर रेगुलर जो है अपडेट्स दी जाती हैं। और अगर आप में से भी दोस्तों अगर हमारे चैनल पर कोई नया है तो मेक श्योर दोस्तों कि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करो, जिससे कि आगे भी आप लोगों को यहाँ पर रेगुलर अपडेट्स और यहाँ पर नई नई इन्फॉर्मेशन दोस्तों यहाँ पर मिलती रहें, और नए नए क्रिप्टो रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी आप लोगों को यहाँ पर मिलते रहें। तो अब बढ़ते आगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए और क्या बोला गया, उसको थोड़ा सा और यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो वर्जन 18 विल बी अपडेटेड द वर्जन 20, तो यहाँ पर 18 वर्जन जो है वो चल रहा था। अगर हम बात करें तो मैंने जब यहाँ पर स्टार्ट किया था, पाई नोड को चलाने के लिए जब कोशिश करी थी, तो वहाँ पर डॉकर फाइल जो है इंस्टॉलेशन अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर काफ़ी कंपलसरी था, और अभी भी जो लोग अलग कंट्रीज़ के अंदर यहाँ पर पाई नोड रन कर रहे हैं उन लोगों को पास में भी ये जो ऑप्शन है डॉकर फाइल का या इस तरीके के जो टूल और सॉफ्टवेयर्स हैं ये उनको यूज़ कर रहे हैं, यानी जो स्पेशली पाई नोड यहाँ पर रन कर रहे हैं उन लोगों को दोस्तों यहाँ पर अंदाज़ा ज़रूर होगा। अगर आप में से कोई ऐसा है जो यहाँ पर पाई नोड रन कर रहा है और डॉकर फाइल के बारे में अगर कुछ भी आप लोगों को मालूम है दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसको आगे बाकी सभी अपने पाइनियर मेंबर्स के साथ में उसको ज़रूर शेयर करूंगा। सो वर्जन 18 विल बी अपडेटेड टू द वर्जन 22 इंटीग्रेट विद स्टेलर डेटा, तो यहाँ पर जो है 18 जो वर्जन है हमारा उसको अपग्रेड किया जाएगा 20th वर्जन के साथ में, जो कि यहाँ पर इंटीग्रेट होगा स्टेलर के साथ में।
स्टेलर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी थी। बाकी और जो लोग हैं उनमें से काफ़ी लोग जो है उन लोगों को भी स्टेलर के बारे में पता होगा, जो स्पेशली जो काफ़ी लंबे समय से क्रिप्टो के अंदर जो है इन्वॉल्व हैं उन लोगों को भी स्टेलर के बारे में पता होगा कि कितना इंपॉर्टेंट रोल जो है ये प्ले करता है ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर या किसी भी अच्छे कॉइन के लिए। सो ऑफकोर्स इसको जो है इंटीग्रेट किया जाएगा, जो भी हमारा अपडेटेड वर्जन होगा डॉकर फाइल का उसको इंटीग्रेट किया जाएगा स्टेलर डेटा के साथ में। आफ्टर द अपडेट इज कंप्लीट द पाइस फायरवॉल, और जैसे ही यहाँ पर अपडेट कंप्लीट होगा जो पाई पाई का जो फायरवॉल है जो कि एक तरीके से आप लोगों ने देखा होगा इस्तेमाल भी किया होगा अपने अपने कंप्यूटर्स के अंदर, जो कि बाहर के जो एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ होती हैं बाहर के, जो मैं अगर नॉर्मल कंप्यूटर की बात करूँ तो उसमें कहीं ना कहीं उनको मतलब एक्सटर्नल एक्टिविटी को रोकने के लिए यहाँ पर जो है ये वर्क करता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर पाई नेटवर्क के बारे में बात करें तो ओपन नेटवर्क के अंदर ठीक है जो एंट्री होने वाली है उससे पहले यहाँ पर ये फायरवॉल एक तरीके से सिंपल भाषा में एक तरीके गेट की तरह काम करता है, यानी कि आगे जो भी एक्सटर्नल एक्टिविटी हो रही है बाहर की साइड में या इंटरनल एक्टिविटी जो भी हो रही है उनको बीच में ही ये रोक करके चलता है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा जो फायरवॉल लगा हुआ है ओपन मेननेट के एंट्री को आगे लेके जाने के लिए ठीक है या उसके अंदर एंट्री करने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हो जाएगी और धीरे धीरे करके ये जो पाई का फायरवॉल है ये रिमूव होना शुरू हो जाएगा। एंड व्हेन द पाई कोर टीम एक्शन सो डू वी, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर ये सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी यानी कि अपडेट होगा और फायरवॉल के साथ में इसको कनेक्ट किया जाएगा, तो आगे जो कोर टीम होगा वो भी भाई तो आगे जो कोर टीम होगी वो भी आगे और एक्शन लेगी और हम भी लेंगे, और ऑफकोर्स आप और हम सभी पायनियर्स जो हैं वो यहाँ पर फायरवॉल के हटने का ही इंतज़ार कर रहे हैं। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पर ये डॉकर फाइल अपडेट होता है कनेक्ट होता है और जो कुछ टर्म्स और कंडीशंस सॉरी जो कुछ और यहाँ पर जो गोल्स हैं जैसे ही वो कंप्लीट होते हैं जो कि अभी फ़िलहाल रिसेंट अपडेट्स के अंदर डॉक्टर निकोलस ने यहाँ पर मेंशन किया है, और अभी हमारे पास में जो पाई एप्लीकेशन के ऊपर जो भी अपडेट्स हैं उसके अंदर डॉक्टर निकोलस की तरफ से जो भी यहाँ पर क्राइटेरिया और जो भी यहाँ पर जो गोल्स हैं उन सभी के बारे में उन्होंने बताया है, और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएंगे आप और हम जो है यहाँ पर मेन नेट के अंदर एंट्री करने के लिए रेडी हो जाएंगे, और आप लोगों 2024 के किसी भी महीने के अंदर जो है हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाई की लॉन्चिंग का। बट ये नहीं कहा जा सकता कि इसी महीने या फिर अगले महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने, इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। डिपेंड करता है कि इस साल के अंदर कितने गोल्स जो हैं पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट के अंदर जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं वो कितने दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाए। जैसे ही ये सब कुछ होता है यहाँ पर आगे प्रोसेस कर दिया जाएगा, ठीक है, और आप लोगों को लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों रिटर्न करिए, अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने माइनिंग अपनी स्टॉप कर दी थी या आपने अभी तक इसके अंदर माइनिंग स्टार्ट नहीं करी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक कोड सब कुछ मिल जाएगा, आप सिंपली जो है इसके अंदर अपनी माइनिंग जो है स्टार्ट करिए। अभी भी आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास में समय है यहाँ पर अच्छे खासे कॉइन्स को बनाने का या जनरेट करने का। और यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट हैं दोस्तों जो कि मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, जो यहाँ पर अभी कोडिंग वगैरह हुई है इसको हाईलाइट भी किया गया है। ARG नोड वर्जन 18.7 जो कि अभी फ़िलहाल पुराना वर्जन था या है जिसको अपग्रेड करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो कि ARG नोड वर्जन 20.10 ठीक है इसको इम्प्लीमेंट करके आगे प्रोसेस किया जाएगा। तो इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। प्लीज़ मेक श्योर दोस्तों कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब लोग जरूर करके रखें। बाकी तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।